गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि आप पता है, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, नॉमिनल, ऑर्डिनरी, इंटरवल और रेशियो स्केल्स। एंड ईच ऑफ दीज स्केल्स वी डिस्कस्ड इन डिटेल एंड विद एग्जांपल्स एंड आल्सो द की पॉइंट्स एंड डिफरेंसेस एंड द रिसर्च टूल्स आल्सो। नाउ टुडे वी विल डिस्कस विद एक्सप्लेनेशंस द 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन स्केल्स ऑफ मेजरमेंट्स। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 स्केल्स ऑफ मेजरमेंट्स आर गिवन एंड द प्रॉपर्टीज आर गिवन इन लिस्ट 2। इनको हमें मैच करना है। नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड ऑर्डर एंड इक्वल यूनिट्स, क्लासिफिकेशन ऑर्डर इक्वल यूनिट्स एंड एब्सोल्यूट जीरो एंड क्लासिफिकेशन ओनली। अब इसको हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। जैसा कि हमें पता है कि लेवल्स ऑफ मेजरमेंट 4 होते हैं। एज वी नो दैट देर आर 4 लेवल्स ऑफ मेजरमेंट्स, दैट इज नॉमिनल, ऑर्डिनरी, इंटरवल एंड रेशियो। नॉमिनल जो स्केल होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसमें कोई भी ऑर्डर, डिस्टेंस और ओरिजिन नहीं होता है। और जो ऑर्डिनरी स्केल होता है, इसमें क्या होता है, ऑर्डर होता है पर डिस्टेंस और ओरिजिन नहीं होता। और इंटरवल स्केल क्या होता है कि इसमें ऑर्डर और डिस्टेंस होता है लेकिन ओरिजिन नहीं होता। और रेशियो स्केल में ऑर्डर, डिस्टेंस, ओरिजिन नहीं होता। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 1 क्या था कि स्केल ऑफ मेजरमेंट्स और उनकी प्रॉपर्टी दी गई है। तो हमें जैसा कि पता है कि नॉमिनल स्केल इट हैज़ ओनली क्लासिफिकेशन एंड ऑर्डिनरी स्केल इट हैज़ क्लासिफिकेशन एंड ऑर्डर। इंटरवल स्केल इट हैज़ क्लासिफिकेशन, ऑर्डर एंड इक्वल यूनिट्स, वेयर इज रेशियो स्केल हैज़ क्लासिफिकेशन, ऑर्डर, इक्वल यूनिट्स एंड एब्सोल्यूट जीरो। सो इसमें हम देखेंगे ए का आंसर आ रहा है 4, बी 1, सी 2 एंड डी 3। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। Now we move to question 2. Question 2. Absolute zero exists in nominal scale, interval scale, ordinal scale or ratio scale. अब हमें पता है कि ये भी हमने क्लास में लास्ट डिस्कस किया था, तो इसके लिए हम टेबल दोबारा आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। Now these are the key points of the scales of measurements. Now you can see that all these four scales, nominal, ordinal, interval and ratio, these are all the four levels of measurement. अब इसमें हम बात करते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है वो बात कर रहा है एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट की। इस टेबल में आप देखिए एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है एंड नॉमिनल स्केल इट हैज नो एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट, ऑर्डिनल स्केल हैज आल्सो नो एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट एंड इंटरवल स्केल हैज आल्सो नो एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट। एंड एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट जो है ये सिर्फ होता है रेशो स्केल में। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4। So the absolute zero exists in ratio scale. Now we move to question number 3. Which scale is the simplest form of measurement? Ordinal, interval, ratio, nominal. As we know that there are 4 scales of measurement, जैसा कि हमें पता है कि 4 scales होते हैं measurement के, nominal, ordinal, interval और ratio scale. तो फर्स्ट लेवल होता है वो होता है nominal scale, second level होता है ordinal scale, third level होता है interval scale और fourth level होता है रेशो स्केल। अब हमारा क्वेश्चन था कि कौन सा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेजरमेंट है, तो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, नॉमिनल स्केल इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेजरमेंट। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन 4। असाइनमेंट ऑफ न्यूमरल्स टू द ऑब्जेक्ट्स टू रिप्रेजेंट देयर एट्रीब्यूट्स इज नोन एज नॉमिनल डेटा, ऑर्डिनल डेटा, इंटरवल डेटा और रेशो डेटा। असाइनमेंट्स ऑफ न्यूमरल्स टू द ऑब्जेक्ट्स टू रिप्रेजेंट देयर एट्रीब्यूट्स इज नोन एज nominal data. So the correct answer to this question is option 1, that is nominal data. Now we move to question 5. Which of the following is not the level of measurement? इनमें से हमें बताना है कि कौन सा level of measurement नहीं है। जैसा कि हमें पता है कि 4 होते हैं levels of measurement, इसको हम simple form में लिख सकते हैं NOIR. N is nominal, O is ordinal, I is interval and R is ratio scale. तो यहाँ पे जो दिया हुआ है ऑप्शन इंटरनल स्केल, दिस इज रॉन्ग। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज इंटरवल स्केल। एज वी नो दिस इज अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, एज वी नो दैट देर आर 4 टाइप्स ऑफ स्केल्स, नॉमिनल स्केल, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल एंड रेशो स्केल। जैसा कि हमें पता है कि 4 स्केल्स ऑफ मेजरमेंट हैं, नॉमिनल स्केल है, ऑर्डिनल, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशो स्केल।
इसको हम शॉर्ट में एन ओ आई आर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वेयर एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल, ओ फॉर ऑर्डिनल, आई फॉर इंटरवल एंड आर फॉर रेशियो। तो इनमें से हमें बताना है कौन सा स्केल लेवल ऑफ मेजरमेंट नहीं है, वो कि इंटरनल स्केल है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6। इन विच स्केल द नंबर सर्व एज टैग्स और लेबल्स टू क्लासीफाई और आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स। कौन सा स्केल है जिसमें नंबर्स को हम टैग्स या लेबल्स की तरह यूज करते हैं क्लासीफाई और आइडेंटिफाई करने के लिए ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो इसमें आपको सब कैरेक्टरिस्टिक्स याद होंगी सारे स्केल्स की। करेक्ट आंसर इसका है नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल वो स्केल होता है जिसमें वी यूज टैग्स और लेबल्स टू क्लासीफाई और आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7। द ऑर्डर इन विच पार्टिसिपेंट्स कंप्लीट ए टास्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच लेवल ऑफ मेजरमेंट। वो ऑर्डर जिसमें पार्टिसिपेंट्स कंप्लीट करते हैं टास्क को किस लेवल ऑफ मेजरमेंट का एग्जाम्पल है, ऑर्डिनल, नॉमिनल, रेशियो और इंटरवल। अब यहाँ आपको एक चीज जो ध्यान में रखनी है, ये खुद ही इसमें शब्द आ रहा है ऑर्डिनल स्केल। तो ऑर्डिनल स्केल इन द क्वेश्चन इटसेल्फ इट इज मेंशन्ड द ऑर्डर। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑर्डिनल स्केल इज द स्केल इन विच पार्टिसिपेंट्स कंप्लीट अ टास्क इन ordinal level of measurement. Now we move to question 8. What is the difference between data measured on an interval scale and data measured on a ratio scale? ये डिफरेंस की बात कर रहा है, जो डाटा हम मेजर करते हैं इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल पर उसमें क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट, ए रेशियो स्केल पुट्स स्कोर्स इन टू कैटेगरीज वाइल एन इंटरवल स्केल मेजर्स ऑन ए कॉन्टिन्यूस स्केल। Second, a racial scale has equal intervals between the points on the scale, whereas an interval scale does not. This is wrong. Third is, a racial scale has a 2-0 point, so the 0 on the scale corresponds to 0 on the of the concept being measured. This is absolutely true. So, ratio scale hota hai, usme absolute 2-0 point hota hai, and it corresponds to the 0 of the concept being measured. This is absolutely true. Fourth is, an interval scale has a 2-0 point. 2-0 point nahi hota hai interval scale mein. क्योंकि इसमें होता है आर्बिट्ररी 0 पॉइंट। सो यहाँ पे हमें याद रखना है द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3। ए रेशियो स्केल हैज अ 2-0 पॉइंट, सो 0 ऑन द स्केल कॉरस्पॉन्ड्स टू 0 ऑफ द कॉन्सेप्ट बीइंग मेजर्ड। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। रेशियो लेवल ऑफ मेजरमेंट इज द ओनली लेवल टू हैव एन इंडिकेटर ऑफ मैग्नीट्यूड, अरिथमेटिक मैनिपुलेशन, एग्जॉस्टिव कैटेगराइजेशन एंड एब्सोल्यूट जीरो। रेशियो लेवल ऑफ मेजरमेंट इज द ओनली लेवल, तो लेवल ऑफ मेजरमेंट सिर्फ रेशो लेवल ऐसा लेवल ऑफ मेजरमेंट है जिसमें एब्सोल्यूट जीरो होता है। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, दैट इज एब्सोल्यूट जीरो। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10, इफ द ग्रेडिंग ऑफ डायबिटीज इज क्लासिफाइड एज माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर, द स्केल ऑफ मेजरमेंट यूज्ड इज इंटरवल, नॉर्मल, ऑर्डिनल और रेशो। अगर हम ग्रेडिंग ऑफ डायबिटीज को क्लासिफाई करते हैं माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में, तो कौन सा स्केल ऑफ मेजरमेंट होगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑर्डिनल स्केल, क्योंकि इसमें हमने ग्रेडिंग कर दी गई है या रैंकिंग कर दी गई है, ये एग्जांपल होता है ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट का। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। द नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट इज रिप्रेजेंटेड इन विच वेरिएबल बिलो। ये बताना है हमें कि नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट किस वेरिएबल में होगा। वेट, टेम्परेचर, हाइट, जेंडर। वेट जैसा कि हमें पता है इसमें जो वेट और हाइट नॉमिनल उसमें नहीं आते हैं, टेम्परेचर भी नॉमिनल लेवल में नहीं आता है। वेट आता है हमारा रेशो लेवल में, टेम्परेचर हमारा आता है इंटरवल लेवल में, हाइट भी हमारी आती है रेशो में, जेंडर आता है हमारा नॉमिनल में। सो द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4। द नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट इज रिप्रेजेंटेड इन जेंडर। Now we move to question number 12. Ordinal scales have the property of absolution, matricity, ranking and variability. This is very simple question. Ordinal scales mein property hoti hai ranking ki. So the correct answer to this question is option 3, that is ranking. Now we move to question number 13. The scale of measurement which has no order, distance and unique origin is known as which one of the following. अब हमें यहाँ सारे जो स्केल्स दिए गए हैं इनकी सबकी हमें प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए।
क्योंकि इसमें से आपको ये टेबल याद होनी चाहिए, जैसे कि चार स्केल्स ऑफ मेजरमेंट हैं, एन ओ आई एंड आर, दिस इज नॉमिनल ऑर्डिनल रेशियो और इंटरवल। नॉमिनल स्केल में क्या है, एन से नो नो ऑर्डर डिस्टेंस डिस्टेंस और ओरिजिन और ओरिजिन और रेशियो स्केल बिल्कुल इसका एग्जैक्टली अपोजिट है, इसमें क्या होगा, सब ऑर्डर डिस्टेंस ओरिजिन सारे होंगे, ऑर्डर डिस्टेंस एंड ओरिजिन ऑल आर देयर। इसमें क्या होगा, ऑर्डर होगा लेकिन नो डिस्टेंस एंड ओरिजिन, इसमें क्या होगा, ऑर्डर एंड डिस्टेंस होंगे बट नो ओरिजिन। सो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है स्केल ऑफ मेजरमेंट विच हैज नो ऑर्डर डिस्टेंस एंड यूनिक ओरिजिन, जिसमें ऑर्डर डिस्टेंस ओरिजिन नहीं होते हैं, तो ये होता है हमारा नॉमिनल स्केल। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन वन, दैट इज नॉमिनल स्केल वो स्केल होता है जिसमें ऑर्डर डिस्टेंस और ओरिजिन नहीं होता है। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 14, द स्केल ऑफ मेजरमेंट विच हैज ऑर्डर डिस्टेंस एंड यूनिक ओरिजिन, ये बिल्कुल उसका एग्जैक्टली अपोजिट है, जिसमें ऑर्डर भी होता है डिस्टेंस भी होता है यूनिक ओरिजिन भी होता है, कौन सा स्केल होता है, वो नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल और रेशो। तो जैसा कि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, इसका करेक्ट आंसर हुआ रेशो स्केल, बिकॉज रेशो स्केल इज द स्केल ऑफ मेजरमेंट विच हैज ऑर्डर डिस्टेंस एंड ओरिजिन। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 15, एक लिस्ट वन डी हुई और लिस्ट टू ने हमें मैच करना है, लिस्ट वन में है रिसेस टूस और लिस्ट टू में है चारों स्केल्स दिए, नॉमिनल इंटरवल रेशियो ऑर्डर और रिसेस टूस दिए हुए हैं, क्वेश्चनेयर एंड इंटरव्यू। अब हमें पता है क्वेश्चनेयर और इंटरव्यू यूज किया जाता है इस स्केल में, क्वेश्चनेयर और इंटरव्यू यूज किया जाता है हमारा नॉमिनल स्केल में, इंटेलिजेंस एप्टीट्यूड टेस्ट इनपे इक्वल डिस्टेंस होता है, तो यह यूज किए जाते हैं इंटरवल स्केल में, एटीट्यूड एंड वैल्यू यूज किए जाते हैं ऑर्डर स्केल में, और स्पीड और फ्रीक्वेंसी यूज किए जाते हैं हमारे रेशो स्केल में। तो इसका करेक्ट आंसर हो रहा है, अब हम देख लेंगे ऑप्शन वन का डी, वन का डी आ रहा है तो, और टू का आ रहा है, टू का इज इंटेलिजेंस ऑफ सी, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री। दिस इज द टेबल विच यू शुड रिमेंबर, नॉमिनल स्केल में रिसर्च टूल्स जो यूज होते हैं, क्वेश्चनियर इंटरव्यू ऑब्जर्वेशंस, ऑर्डिनल स्केल में रैंक स्केल, यहाँ पे आप कह सकते हो दिस एटीट्यूड एंड वैल्यू टेस्ट, दीज आर ऑल्सो इन ऑर्डर स्केल, ऑर्डिनल स्केल बाय मिस्टेक इट इज रिटन, इंटरवल स्केल में साइकोलॉजिकल एजुकेशनल टेस्ट आते हैं, रेशियो स्केल में फिजिकल मेजरमेंट स्पीड टेस्ट आते हैं। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन थ्री, क्वेश्चनियर एंड इंटरव्यू यूज्ड इन नॉमिनल स्केल, इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड टेस्ट आर यूज्ड इन इंटरवल स्केल, एटीट्यूड एंड वैल्यू टेस्ट आर यूज्ड इन ऑर्डर स्केल ऑर्डिनल स्केल, एंड स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी टेस्ट आर यूज्ड इन रेशियो स्केल। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 16, द स्केल ऑफ मेजरमेंट विच हैज ऑर्डर एंड डिस्टेंस बट नो ओरिजिन इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग, वो स्केल ऑफ मेजरमेंट जिसमें ऑर्डर और डिस्टेंस तो होगा लेकिन ओरिजिन नहीं होगा, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, वो टेबल आपको हमेशा याद रखनी है। द करेक्ट आंसर इज इंटरवल स्केल, इंटरवल स्केल इज द स्केल ऑफ मेजरमेंट जिसमें ऑर्डर और डिस्टेंस होता है लेकिन ओरिजिन नहीं होता है, क्योंकि इसमें आर्बिट्रेरी जीरो पॉइंट होता है, एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट नहीं होता है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 17, द स्केल ऑफ मेजरमेंट विच हैज ऑर्डर बट नो डिस्टेंस एंड ओरिजिन, कौन सा स्केल ऑफ मेजरमेंट है जिसमें ऑर्डर तो है लेकिन डिस्टेंस और ओरिजिन नहीं है, तो ये आपको वो प्रॉपर्टी याद रखनी है, कौन सा स्केल है वो है आपका ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल वो स्केल होता है जिसमें ऑर्डर तो होता है लेकिन डिस्टेंस एंड ओरिजिन नहीं होता है, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू। Now we move to question number 16. Which scale of measurement has 20 point? अब हमें पता है 20 point किस में होता है? 20 point होता है हमारा ratio scale में. 20 point ये होता है हमारा ratio scale में. और arbitrary 0 point होता है. Arbitrary 0 point जो हमने पहले discuss किया था detail में, ये होता है interval scale में. इंटरवल
ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा रेशियो स्केल. तो द रेशियो स्केल हैज 20 पॉइंट. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 19. विच स्केल ऑफ मेजरमेंट हैज आर्बिट्ररी, यही जो क्वेश्चन इसमें पूछा है जो हमने पहले भी अभी डिस्कस किया था. आर्बिट्ररी 0 पॉइंट किस में होगा? आर्बिट्ररी 0 पॉइंट होगा हमारा इंटरवल स्केल में. सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज इंटरवल स्केल, और 20 पॉइंट होता है रेशियो स्केल में. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 20. स्टूडेंट इवेल्यूएशन ऑफ टीचिंग इफेक्टिवनेस फॉर ए पार्टिकुलर कोर्स आस्क्स स्टूडेंट्स टू रिस्पॉन्ड टू द लेवल ऑफ एग्रीमेंट विद सेवरल स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू द स्केल. एक स्टूडेंट इवेल्यूएशन टीचिंग इफेक्टिवनेस की करने के लिए एक स्टूडेंट से पूछा गया कि लेवल ऑफ एग्रीमेंट और स्टेटमेंट्स दिए गए. वन मीन्स स्ट्रॉन्गली एग्री, टू मीन्स एग्री, थ्री मीन्स न्यूट्रल, फोर मीन्स डिसएग्री, फाइव मीन्स स्ट्रॉन्गली डिसएग्री. द रिस्पॉन्सेज इंडिकेट व्हाट लेवल ऑफ मेजरमेंट्स. अब इसमें कौन सा लेवल ऑफ मेजरमेंट बता रहा है? ये एग्जाम्पल हुआ हमारा नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल, इंटरवल या रेशो में से ही हमें बताना है किस स्केल ऑफ मेजरमेंट का. तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन, और दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑर्डिनल स्केल. सिंपल सी बात है इसमें, क्योंकि ये हमें ऑर्डिनल स्केल में रैंकिंग तो बता रहा है, लेकिन अब रैंक वन और टू का एग्जैक्ट डिस्टेंस क्या है ये पता नहीं चलता, तो इसकी बात हो रही है. तो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑर्डिनल स्केल. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन 21. फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम क्या है एग्जाम्पल? नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो स्केल का. तो ये हमें इसमें बताना है फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम जो है एग्जाम्पल है नॉमिनल स्केल का. फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए नॉमिनल स्केल. क्वेश्चन 22. लेटर ग्रेड्स ऑन एन इंग्लिश एसे इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच, दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन. जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था लेटर ग्रेड्स की बात हो रही है, तो लेटर ग्रेड्स होते हैं एग्जाम ग्रेड्स, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए ऑर्डिनल स्केल. सो द करेक्ट आंसर इज ऑर्डिनल स्केल. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन 23. रिलीजन एंड पॉलिटिकल एफिलिएशन आर एग्जाम्पल्स ऑफ वेरिएबल्स दैट आर नॉर्मली मेजर्ड ऑन नॉर्मल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल. रिलीजन और पॉलिटिकल जो एफिलिएशंस हैं ये किसके एग्जाम्पल्स हैं ये हमें बताना है. ये रिलीजन और पॉलिटिकल हैं एग्जाम्पल्स नॉमिनल स्केल के. दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ नॉमिनल स्केल. क्वेश्चन 24. नाउ वी विल डिस्कस वेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच. जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था ये हाइट, वेट और ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ रेशियो स्केल. सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4, दैट इज रेशियो स्केल का एग्जाम्पल है वेट. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन 25. रैंकिंग इज एन एग्जाम्पल इन विच लेवल ऑफ मेजरमेंट्स, दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन. रैंकिंग किसका एग्जाम्पल है? रैंकिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑर्डिनल स्केल. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 26. टू टेस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन्स, टी टेस्ट कैन बी यूज ओनली वेन स्केल ऑफ मेजरमेंट इज नॉमिनल, वेन स्केल ऑफ मेजरमेंट इज इंटरवल एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट बैडली स्क्यूड, स्केल ऑफ मेजरमेंट इज ऑर्डिनल एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल, स्केल ऑफ मेजरमेंट इज इंटरवल एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज बैडली स्क्यूड. तो इसमें हमें पता है सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन्स को टेस्ट करने के लिए टी टेस्ट का, वो स्केल ऑफ मेजरमेंट नॉमिनल हो दिस इज रॉन्ग, स्केल ऑफ मेजरमेंट इज इंटरवल दिस इज ट्रू, एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट बैडली स्क्यूड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बैडली स्क्यूड नहीं होना चाहिए. स्केल ऑफ मेजरमेंट ऑर्डिनल हो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, स्केल ऑफ मेजरमेंट इंटरवल हो दिस इज, इतना तो ये सही है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन इज बैडली स्क्यूड दिस इज रॉन्ग. तो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2. टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन्स, टी टेस्ट कैन बी यूज ओनली वेन द स्केल ऑफ मेजरमेंट इज इंटरवल एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट बैडली स्क्यूड. Now we move to question 27. Use of product movement coefficient of correlation is appropriate for the pairs of scores obtained from which type of scales? जैसा कि हमें पता है product movement correlation को हम use करते हैं interval और ratio scales में. So the correct answer to this question is
ऑप्शन नंबर थ्री, दैट इज प्रोडक्ट मूवमेंट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज एप्रोप्रिएट फॉर इंटरवल एंड रेशियो स्केल्स. नाउ मूव टू क्वेश्चन 28. ए रिसर्चर विशेस टू स्टडी अचीवमेंट इन ए स्कूल सब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू इंटेलिजेंस. इन दिस केस ही हैज टू सेलेक्ट वन वेरिएबल इन नॉमिनल स्केल एंड द अदर इन इंटरवल स्केल. बोथ वन वेरिएबल इन रेशियो स्केल एंड द अदर इन इंटरवल नॉमिनल स्केल. बोथ द वेरिएबल्स इन इंटरवल स्केल एंड बोथ द वेरिएबल्स इन रेशियो स्केल. एक रिसर्चर स्टडी करना चाहता है अचीवमेंट टेस्ट को विद रेस्पेक्ट टू इंटेलिजेंस. अब हमें जैसा कि पता है अचीवमेंट एंड इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा जो आता है ये सब आते हैं हमारे इंटरवल स्केल्स में. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. तो रिसर्चर हैज टू सेलेक्ट बोथ द वेरिएबल्स इन द इंटरनल स्केल. सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन थ्री, दैट द बोथ द वेरिएबल्स इन इंटरनल वेल स्केल. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन 29. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ सिंबल्स असाइन टू कैटेगरीज ऑन ए नॉमिनल स्केल. अब यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है ये है कि इसमें पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहां पे कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिंबल फीचर ऑफ सिंबल्स असाइन टू कैटेगरीज ऑन ए नॉमिनल स्केल. वो जो कैटेगरीज असाइन करते हैं उसका सिंबल क्या नहीं होता. फर्स्ट इज ऑप्शन इज नो क्वांटिटेटिव मीनिंग. नो क्वांटिटेटिव मीनिंग दिस इज ट्रू. नथिंग मोर देन लेबल्स और names, this is also true. May be accorded, ordered according to magnitude, this is wrong. And cannot be subjected to arithmetic operations, this is also true. So, which of the following is not the feature? So, the correct answer to this question is option 3. क्योंकि इसमें magnitude नहीं होता है. Now, we move to question number 30. मैथ्स लिस्ट वन विद लिस्ट टू. लिस्ट वन में मेजरमेंट स्केल्स दिए हुए हैं एंड स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स दिए हुए हैं लिस्ट टू में. इनको हमें मैच करना है. तो नॉमिनल स्केल के लिए हमें जैसा कि पता है नॉमिनल स्केल के लिए होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ऑर्डिनल स्केल के लिए होता है मीडियन एंड रैंक कोरिलेशन. इंटरवल स्केल के लिए होता है मीन एस टी एंड कोरिलेशन. एंड रेशो के लिए होता है ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन. So A 2, B 3, C 4 and D 1. This is the correct option. So the answer to this question is option number 3. Now we move to question 24. List 1 examples are given and in list 2 scales of measurement are given. We have to correctly match them. Last row numbers are, it is an example of a nominal scale and relative position in a group. It is an example of ordinal scale. Heights, it is an given as interval scale, but this is wrong because height is an example of a ratio scale and not an ordinary scale. So this is wrong. Weight is a ratio scale, this is true. Relative position is an ordinal scale, this is also true. Class roll numbers, this is also true. A 1 is true, B 2 is true, so C 3, this is wrong. So the correct answer is option 3 because heights of athletes is not correctly matched with interval scale. Heights of athletes is an example of a ratio scale. So the correct answer is option C. Now we move to question 32. In research situations, non-parametric statistics is used for research situations mein non-parametric statistics किसके लिए यूज की जाती है. नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल या रेशो. अब हमें पता है कि इंटरवल और रेशो के लिए थे पैरामेट्रिक और नॉमिनल ऑर्डिनल थे नॉन पैरामेट्रिक के लिए. तो इसमें भी हमें सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है नॉमिनल डाटा नहीं नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स यूज फॉर नॉमिनल डाटा. द करेक्ट आंसर इज नॉमिनल डाटा ऑप्शन ए. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन 33. जेंडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए वेरिएबल दैट इज मेजर्ड ऑन ए. बहुत आसान आंसर है. जेंडर किसका एग्जाम्पल है. जेंडर एग्जाम्पल है नॉमिनल स्केल का. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए नॉमिनल स्केल. नाउ मूव टू क्वेश्चन 34.
विच इज द फर्स्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कौन कितने लेवल्स ऑफ मेजरमेंट होते हैं जो हमने डिस्कस किए थे, एन ओ आई आर, एन इज द फर्स्ट लेवल, ओ इज द सेकेंड लेवल, आई इज द थर्ड लेवल एंड फोर्थ रेशो इज द फोर्थ लेवल। तो फर्स्ट लेवल होता है हमारा नॉमिनल स्केल, तो द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नाउ वी मूव टू फोर्थ, सिमिलर जो एस जो कि पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, फोर्थ लेवल पूछ रहा है, तो फोर्थ लेवल ऑफ मेजरमेंट क्या होगा, रेशो स्केल इज द फोर्थ लेवल ऑफ मेजरमेंट, द करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 36, विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ मेजरमेंट प्रोवाइड्स द मोस्ट इंफॉर्मेशन, रेशो, नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल, कौन सा लेवल ऑफ मेजरमेंट है जो कि सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सो दिस इज द रेशो स्केल, इज द लेवल ऑफ मेजरमेंट विच प्रोवाइड्स द मोस्ट इंफॉर्मेशन, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ मूव टू क्वेश्चन 37, फारेनहाइट स्केल इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशो स्केल। फारेनहाइट स्केल is an example of an interval scale. So the correct answer is option C. This we have discussed in our last session also. And if you want to clear your concept on the scales of measurement, you should watch that video also. All the four scales are discussed in detail with the examples and also the key points, the statistical parameters, difference between these scales are discussed in detail. Now move to question number 38. Pass and fail, rural and urban, these are examples of nominal scale. The correct answer is option A. Now move to question number 39. Which of the following measurement properties is satisfied by the centigrade scales? First is magnitude. Second is equal intervals. Third is the minimum value of zero. अब जो measurement properties जो satisfy करता है सेंटीग्रेड स्केल, मैग्नीट्यूड की करता है, इक्वल इंटरवल की करता है, लेकिन टू जीरो इसमें नहीं होता है, तो इट सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ वन एंड टू ओनली। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज मैग्नीट्यूड एंड इक्वल इंटरवल्स आर द प्रॉपर्टीज विच आर सेटिस्फाइड बाय सेंटीग्रेड स्केल। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 40, विच स्केल गिव अस द अल्टीमेट ऑर्डर इंटरनल वैल्यूज प्लस द एबिलिटी टू कैलकुलेट द रेशियोज सिंस ए ट्रू जीरो कैन बी फॉर्म। कौन सा स्केल है जो कि ऑर्डर इंटरनल वैल्यूज और एबिलिटी टू कैलकुलेट रेशियोज या टू जीरो देता है, दीज आर ऑल कम अंडर रेशियो स्केल। सो दिस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज रेशियो स्केल। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 41, ऑन द बेसिस ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट द टीचर रेटेड प्रीति, श्वेता एंड धर्मा एज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रिस्पेक्टिवली। एक अचीवमेंट टेस्ट कंडक्ट करके एक टीचर ने तीन स्टूडेंट्स प्रीति हुए थे और वर्मा को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंकिंग दी। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ विच स्केल, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए ऑर्डिनल स्केल, द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 42, एक्सक्यूज मी, फिजिकल स्केल्स ऑफ टाइम, लेंथ एंड वॉल्यूम आर एग्जांपल्स ऑफ, फिजिकल स्केल्स ऑफ टाइम, लेंथ और वॉल्यूम में एग्जांपल्स हैं नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल और रेशियो स्केल के, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशियो स्केल। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज रेशियो स्केल। क्वेश्चन 43, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू, लिस्ट वन में मेजरमेंट स्केल्स दिए हुए हैं और लिस्ट टू में दिए हुए हैं वेरिएबल्स, तो इनको हमें मैच करना है। रेशियो स्केल में आते हैं, जैसा कि मैं पहले भी ये टेबल बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे, स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स आपको याद होगा और लास्ट भी बहुत डिटेल में डिस्कस हुई थी इसको लेकर। तो रेशियो स्केल में आते हैं हमारे लेंथ और ब्रेथ आते हैं ऑफ द क्लासरूम, दिस कम अंडर रेशियो स्केल। इंटरवल स्केल में हमने बताया था इंटेलिजेंस अचीवमेंट टेस्ट आते हैं, इंटेलिजेंस स्कोर्स आ गए, ऑर्डिनल स्केल का मतलब है ऑर्डर या रैंक्स आते हैं इसमें, और नॉमिनल स्केल में आते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ट्रैवल फैमिलीज। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रेशियो स्केल का ए 4, बी इंटरवल स्केल इज इंटेलिजेंस बी 1, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 44,
Which of the following is an example of ordinal scale of measurements का कौन example है? Favorite eye color, favorite car color. This is not an example of an ordinal scale of measurement. Weight, favorite car color, ये हमारा आ जाता है nominal में. Nominal. Weight, ये आ जाता है हमारा ratio में. Ranks हमारे आ जाते हैं. It comes under this ordinal. Ordinal. जेंडर आ जाता है हमारा, सॉरी दिस इज ऑर्डिनल स्केल एंड जेंडर इज नॉमिनल स्केल. सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, बिकॉज द रैंक्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्डिनल स्केल्स ऑफ मेजरमेंट. नाउ वी कम टू क्वेश्चन 45. परसेंटाइल स्कोर्स अज्यूम अ स्केल ऑफ मेजरमेंट नोन एज नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. परसेंटाइल स्केल्स जैसे आप देखते हो कि अभी ये एनटीए का एग्जाम हुआ है, तो इसमें भी जो स्कोर्स आए परसेंटाइल में आए हैं. अब ये क्या है, किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल हुआ है ऑर्डिनल स्केल का, क्योंकि जो डिफरेंस जैसे जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आए तो उसका हो गया 100% और सबसे कम आ गए तो उसका हो गया 0%. बाकी आपने देखा होगा बीच में, मतलब इसका मतलब है कि आपका रैंक 1 है और सारे जो स्टूडेंट्स बाकी हैं वो सब आपसे नीचे हैं. अब इसके बाद 99.99% आया, 99.9998 आया, या 99.97, लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये सेम नहीं है. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट. परसेंटाइल स्कोर्स अज्यूम ए स्केल ऑफ मेजरमेंट नोन एज ऑर्डिनल स्केल. द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ऑर्डिनल स्केल. नाउ मूव टू क्वेश्चन 46. In a ratio scale, only difference and ratio matter, only order and ratio matter, only order and difference matter, या order, difference and ratio all matter. Ratio scale जो कि सबसे most कह सकते हैं कि advanced level of measurement है, fourth level of measurement भी कहा जाता है इसे, तो इसमें order, difference and ratio all matter. So the correct answer to this question is option D. Now move to question number 47. Which of these is not an example of nominal scale? Nominal scale का example कौन सा नहीं है ये हमें बताना है. Numbers on a football jersey, numbers of pool balls, ये तो सही है. Numbers on a football jersey example है nominal scale का. Numbers on pool balls is also, gender is also an example, but exam grades, ये जो है कि grades ये example है ordinal scale का. So this is not an example of a nominal scale. So the correct answer to this question is option D. Exam rates is not an example of a nominal scale. Now move to question number 48. Harmonic mean and geometric mean are the educational statistics used in which scale of measurement? Harmonic or geometric mean को किस scale of measurement में use किया जाता है? In educational statistics को इसको use किया जाता है ratio scale में. So the correct answer to this question is option 4. That is ratio scale. Now we move to question 49. Which of the following is the correct order of measurement scales in increasing order of accuracy, precision and operations used? यहाँ पे हमें correct order of जो measurement है वो बताना है जो कि use किया जाता है इसमें. The sequence is given: ratio interval, nominal ordinal, order, ratio interval, nominal interval, ratio ordinal, nominal and nominal ordinal interval ratio. As we know the scales of measurements का जो sequence है NOIR है. So the correct answer is, so the correct order of measurement scales in increasing order of accuracy, precision and number of operations used is NOIR, nominal ordinal intervalent ratio. So the correct answer is option D, nominal ordinal intervalent ratio is the correct order of measurement scales in increasing order of accuracy, precision and number of operations used. Now we move to question number 50. If one variable is measured on a nominal scale and the other variable is measured on an interval scale, the appropriate research method will be experimental method, case study method, cross-sectional method and or correlation method. अगर एक variable को measure करते हैं nominal scale पे और दूसरे को करते हैं interval scale पे, तो appropriate research method होगा experimental method, क्योंकि इसमें हम जो independent और dependent variable को study करते हैं control conditions में. So this is a very good example of an experimental method in which one variable is measured on a nominal scale and the other variable is measured on an interval scale. This is an important question. I think all of you must have understood all these multiple choice questions with their explanations in detail. And if you
have any doubt, you can watch my video of the last session on scales of measurement also, because all the four scales with detailed explanations, examples, key points, statistical tools are discussed. And I think all of you must have understood all these questions with explanations. And this session must prove useful to all of you. And thank you to all of you. And if you have liked the channel, kindly like, share and subscribe the channel. Ayutram. Thank you.